बात करेंगे दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की, जहां पर ऊबर कैब के एक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसका शव सुनसान मैदान में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 16 साल और 17 साल के दो नाबालिगों को पकड़ लिया है। आरोप है कि दोनों नाबालिग लड़कों ने ऊबर ऐप का इस्तेमाल कर पहले इस कार को बुक किया और फिर उसे पूरे नजफगढ़ में घुमाते रहे। आरोप है कि 51 साल के ड्राइवर कुलदीप के विरोध करने पर नाबालिग लड़कों ने उसे 3 गोलियां मारी। कुलदीप को गोली मारने के बाद दोनों लड़कों ने नजफगढ़ में ही सुनसान इलाके में शव को फेंक दिया। कैब को मुंडका इलाके में लावारिस हालत में छोड़कर दोनों फरार हो गए। शुक्रवार की सुबह पुलिस को कैब के रूप में चलने वाली जो स्विफ्ट डिजायर है वो मुंडका में मिली। कार की सीट पर खून के धब्बे थे। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर यह पता किया कि ये कार कुलदीप की है और उसने अपनी कार ऊबर से अटैच कर रखी है। पुलिस ने ऊबर से बुकिंग कराने वाले 16 साल और 17 साल के ये जो दोनों नाबालिग लड़के हैं इनको धर दबोचा। दोनों नाबालिग लड़कों की निशानदेही पर पुलिस ने नजफगढ़ के एक सुनसान मैदान से कुलदीप का शव बरामद किया। कुलदीप के परिवार और दोस्तों का आरोप है कि घटना के बाद ऊबर कंपनी ने कोई सुध लेने के बजाय कुलदीप और उसकी टैक्सी का रिकॉर्ड ही हटा दिया। ऊबर वालों ने जो भी मतलब क्लाइंट भेजा था उसी ने उनका मर्डर कर दिया और उनको मर्डर करने जिसने बुकिंग करवाई थी उन्होंने मर्डर करके उनको खेत में डाल दिया। उसके बाद और हिरण कुदना के पास और वो 3 दिन के बाद मिला। अभी तक उसकी कोई मतलब पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और ना ही कुछ उसकी कार्रवाई हो पाई है, ना FIR लॉज हो पाई है, ना ही कुछ ऐसा कुछ मतलब कार्रवाई हो पाई है। आज की डेट में जो है ड्राइवर की स्कूटी कोई नहीं है, ना ही आज यूबर कोई कार्रवाई कर रही है जो इस बंदे को गोली मारी हुई है। तो नहीं कोई यूबर आई है हमारे पास जो कि यहाँ ऐसा हो रखा है कि हमारा और ना ही पुलिस कोई इसकी कोई कार्रवाई कर रही है। और जो यहाँ के सारे लोकल हरियाणा के वो आए थे यहाँ अपने मुंडका पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ भी उनको बोला तो उनके दादा भी आए हुए थे, कहता कि भाई बच्चे से गलती हो गई। बच्चे से कैसे गलती हो गई, अगर घर में माँ बाप गलत है तो बच्चे से गलती कैसे हो सकती है। और इसी पर हम और विस्तार से बात करते हैं। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, पहले तो यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, क्या ऐसी दुश्मनी थी, क्या ऐसी बात थी, कैसे जानते थे कुलदीप को ये दोनों नाबालिग, या क्या इसके पीछे की वजह? जी देखिए, ये दोनों नाबालिग डिचाऊ कला गांव के रहने वाले हैं, नजफगढ़ का ये इलाका है और पहले लगातार कई बार यहाँ गैंगवार हो चुके हैं और वहां से इन लड़कों ने दोनों ने कैब बुक करी थी उबर की जो मोबाइल ऐप होती है उसके जरिए। उसके बाद किसी बात पे कहा सुनी हुई और ड्राइवर को लगातार ये गाली देने लगे और उसके बाद इन्होंने जो इनके पास हथियार था उससे गोली चला दी। सबसे बड़ी बात ये है जांच की अब कि नाबालिग लड़के हैं दो, इनके पास ये पिस्तल कहाँ से आई और किस कंडीशन में ये पिस्तल लेके ट्रेवल कर रहे थे। ये सबसे बड़ा ऑफेंस है एक तरीके से कि आप आर्म्स लेके चल रहे हैं और आप नाबालिग हैं, आपका लाइसेंस नहीं है उसका आपके पास, तो इसमें घर के लोगों पे भी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस उस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिसमें जो ऐप थी उसके जरिए ही ये पूरा केस खुल पाया है। जो नंबर, चूंकि हम कोई भी अगर उबर या ओला कैब बुक कराते हैं तो हमारा नंबर बकायदा रजिस्टर्ड होता है और जो गुड़गांव में उनका ऑफिस है वहां पे वो सेव रहता है, उसी से ये नंबर पता चला और उसके बाद मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस इन तक पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से हथियार लेके दो नाबालिग दिल्ली में चल रहे थे, एक उबर काफी नामी कैब कंपनी है उसके अगर ड्राइवर की हत्या की जाती है तो ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद अगर कंपनी इस पूरी घटना से पाला अपना हटा लेती है तो ये भी काफी गंभीर सवाल है, क्योंकि ये सारी उबर बिल्कुल क्योंकि ये भी सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि कुलदीप का रिकॉर्ड ही हटा लिया कंपनी ने, बजाय इसके कि कुछ यहाँ पर बात सामने आती किसी तरह की, तो यहाँ पर रिकॉर्ड ही हटा दिया गया है कुलदीप का। शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।